नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कुछ किया फॉरेन में जाकर, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की लाइफ अब खतरे में है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कुछ तथ्य हैं। और तथ्य ये हैं कि अब तो मैं कल पंजाब में चंडीगढ़ में था, वहाँ पर एक सरदार जी ओपनली बोल रहे हैं कि राहुल गांधी अगर तुमने बकवास करनी बंद नहीं करी तो जैसे इंदिरा गांधी को हमने गोली मारी थी अब तुम्हें भी हम गोली मार देंगे। अजीत डोवाल जी रशिया पहुँचे हुए हैं, कोई बड़ा होने वाला है, हम सबको पता है। इधर से अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि अगर मोदी जी को भारत को बचाना है तो राहुल गांधी को जेल नहीं बदतर हूरों के पास पहुंचाया जाए। आपको मालूम है ऊपर ये जनेऊ डालता है, अंदर गले में माला है जो कि क्रॉस का निशान है और नीचे खतरा इसने करवाया हुआ है, यानी कि मिक्स ब्रीड है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पूरा पुख्ता उसके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी फीलिंग है। आपको मालूम है कि मैं एक कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, हम लोगों को फीलिंग होती है आगे जाकर क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी को ये कंट्रोवर्शियल फॉरेन ट्रिप्स मारता है जहाँ पर यह सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं लेकर जाता, ताकि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो पीछे जाकर ये ना बता दें कि वहाँ पर ये कौन कौन से पाकिस्तान के ISI एजेंट्स को मिला, कौन से एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उसको मिला, वहाँ पर बैठ के कैसे भारत के खिलाफ इसने षड्यंत्र रचे, वो सारी इन्फॉर्मेशन भारत को पहुँचेगी, इसलिए ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर नहीं जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोदी जी हैं वो एक ही काम पे लगे हैं कि कैसे मैंने सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन को इंडिया में बूस्टअप करना है और भारत की इकॉनमी को ऊपर लेके जाना है और जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग में कैसे अपना दबदबा बनाना है। तो आज की वीडियो में दोनों पहलुओं को देखेंगे, एक है मोदी का भारत और दूसरा है भारत जिसमें पप्पू है, और भारत जब पप्पू नहीं रहेगा तो क्या होगा, कभी आपने कल्पना नहीं करी होगी, आज इसी को उजागर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं राहुल गांधी का फॉरेन ट्रिप्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। मैंने पहले बोला है ये जो SPG होती है इसके पास स्पेशल फोर्सेज होते हैं, उनको लेकर नहीं जाता है, और भारत की गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है कि ये कहाँ जा रहा है। और आपको मालूम है कि अजीत डोवाल जी की कोई अननोन गनमैन है जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, पूरे दुनिया में वो एक्टिवेटेड भी हैं। अजीत डोवाल जी अभी रशिया में हैं, उनके गनमैन पूरी दुनिया में हैं, इसके पास SPG नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर इस देश की गंदगी को ख़त्म करना है तो राहुल गांधी की गंदगी ख़त्म होनी ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, क्यों, मैं पहले बोला था आपको गोडसे से मुझे एक ही बात का गुस्सा है, जब गांधी का काम किया तो नेहरू का काम क्यों नहीं किया। अब अननोन गनमैन से भी यही गुजारिश है कि दो लोग हैं जिनका काम करना जरूरी है, एक है राहुल गांधी और दूसरा है सैम पितृदोष, क्योंकि अपने पिता के ऊपर ही वो दोष है, उसका पैदा होना ही एक दोष था इस दुनिया में, वैसे ही जैसे राहुल गांधी का है। अब जैसे ही ये दो लोग खत्म होंगे, यानी कि कांग्रेस की बैकबोन नहीं टूटेगी, टूटेगी तो USA की। वो क्यों, क्योंकि USA का पपेट दुनिया में जा जाकर भारत का नाम खराब करता है और भारत में जितने भी जिहादी हैं उनको एक्टिवेट करता है, इसलिए जैसे ही इस धुरत का अंत होगा, यानी कि इस राक्षस का अंत होगा, USA की बैकबोन भी टूट जाएगी और USA को एक मैसेज पहुंच जाएगा कि अब भारत के साथ पंगा लेना इतना आसान नहीं है, अब ये हमारे पालतू लोगों को एक एक करके खत्म कर रहे हैं, शांत होकर बैठ जाएंगे। उसी तरह से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चाइना में भी जब जब अमेरिका ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी, उन्होंने शिनजियांग में जाकर उगर मुसलमानों के 50-100 जो उग्रवादी होते हैं, सो कॉल्ड कॉकरोच, उन्हें वो ख़त्म कर देता है। उसके बाद अमेरिका कभी बोलता नहीं है। अमेरिका जिस जिस को सपोर्ट करता है उसको जब आप ख़त्म करते हैं, अमेरिका की चूँ चूँ निकलनी बंद हो जाती है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की लाइफ अब खतरे में है। अब कोई ना कोई अज्ञात वीर दुनिया में जो बैठे हैं इसका काम तमाम कर देंगे, और ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर ये जेल में गया तो भी ये प्रॉब्लम है, वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे बिके हुए जजेस इमिजिएटली इसको वहाँ पर बेल दे देंगे जैसे उन्होंने कंजरवाल को दे दी। और इसलिए इसको अगर इसका निपटारा करना है तो इसका निपटारा पूरा ही करना पड़ेगा, यानी कि खतरा के बाद अगली जो कटाई है वो अब इसकी इस उम्र में जाकर की जाएगी और करनी भी चाहिए। दूसरी बात, आप एक नोट कीजिए, राहुल गांधी हमेशा ही
बाहर जाकर जो मीटिंग्स करता है वो तब करता है जब मोदी जी ने उस कंट्री में जाना होता है, उससे पहले एंटी इंडिया लोगों से मीटिंग करता है, वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को उजागर करता है, और उसके बाद ये बोलेगा देखिए जी सारी दुनिया में भारत के खिलाफ कितनी नफरत है। और ये मोदी जी के आने के बाद होगी, पहले तो दुनिया बहुत ही ज़्यादा इज्जत से हमें देखती थी, यानी कि वो जो प्रॉपर एक अटेंशन होती है गवर्नमेंट जो करने की कोशिश कर रही है, पूरी दुनिया को भारत में लेके आने की कोशिश कर रही है, ये वहाँ से जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर देता है। अब मोदी जी क्या कर सकते हैं, मोदी जी ने डिप्लोमेटिकली इसको समझाने की कोशिश करी, मंद बुद्धि बोल दिया, बालक बुद्धि बोल दिया, इसकी बेइज्जती कर दी। लेकिन इज्जत किसी की होगी तभी तो बेइज्जती उसको महसूस होगी, और जो ये कॉकरोच होते हैं इनको बेइज्जती कभी महसूस होती नहीं है, क्योंकि इनकी जो इज्जत है वो बचपन में ही उतार दी जाती है, कुछ काट दिया जाता है, बाकी इनको लेडीज ड्रेस मर्दों को भी बचपन में ही डलवा दी जाती है ताकि इनको कभी भी ये ना लगे कि यार कोई बेइज्जती हो रही है, क्योंकि बेइज्जती वाला काम तो ये हर रोज ही करते हैं, दाढ़ी रखी होती है मूछें कटवा देते हैं, इससे ज़्यादा बेइज्जती वाली बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों मोदी जी क्या कर सकते हैं, भी लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्या कुछ होगा उसमें, इसके खिलाफ इतने बड़े बड़े सबूत हैं, इतने बड़े केसेस हैं, डेट ही नहीं आती, डिप्लोमेटिकली बात कर ली कुछ नहीं हुआ, मीटिंग्स में बैठाते हैं वहाँ पे बदतमीजी करता है, फॉरन में जाकर इसको समझाने की कोशिश करी कि भाई तेरी दादी तक फॉरन में आती थी, उसने कभी भी भारत के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन ये चुप ही नहीं रहता है। अब एक ही चीज़ है कि इन्होंने मोदी जी ने कैंपेन तक निकाल दिया, कैंपेन जो बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल था वहाँ से निकाला गया कि भाई इस आदमी को चुप कराया जाए ताकि इसको ये लगे कि ये नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा है, आप ये बातें बोलनी बंद कर दीजिए। लेकिन राहुल गंदगी तो राहुल गंदगी है, वो नहीं रुका। तो अब परमानेंट इलाज क्या है, इलाज मैंने बता दिया, इसकी लाइफ खतरे में है और रहनी भी चाहिए। दूसरा एक और है जो मोदी जी काम कर सकते हैं, वो काम ये है कि इसकी सपोर्ट है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जिहादी जो भारत में बैठे हैं। अब जिस मोदी जी पाकिस्तान का अगर परमानेंट इलाज कर दें, मैं छोटे मोटे कट की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बहुत बड़ा खतरा अब पाकिस्तान का करना पड़ेगा और जो हमारा हिस्सा है वो वापस लेना पड़ेगा। जैसे ही आप वो काम करेंगे, आप एक चीज देखेंगे कि राहुल गंदगी की दुकान जो मोहब्बत की नफरत की दुकान है वो टूटकर बिखर जाएगी, पाकिस्तान को बिखरता हुआ देखते हुए अमेरिका भी बिखर जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे ही इनकी बैकबोन टूटेगी जो जिहादी भारत में हैं, उन्हें एक चीज समझ आएगी, अगर आज पाकिस्तान का ये हाल हुआ है कल को हमारा भी होगा, ये कॉकरोच यहाँ से भाग भाग के निकलेंगे बाहर को, प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व्ड। आपको सिर्फ दो काम करने हैं, राहुल गंदगी का परमानेंट इलाज, उसके साथ पाकिस्तान का परमानेंट इलाज, और जैसे ही आप करेंगे एक काम और होगा, वेस्टर्न जो मीडिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो झुककर आपको सलाम करेगा, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाएगा कि मोदी जी इज़ बैक टू हिज ओरिजिनल फॉर्म। मोदी जी को हम कैसे जानते हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ से जानता हूँ, आप बोलेंगे डेवलपमेंट, मैं बिल्कुल भी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों का काम है, वो है 2002। अगर मोदी जी 2002 करवा सकते हैं, इन कॉकरोचों को 25 साल से कंट्रोल में रखा हुआ है, अब भी वही टाइम है वही काम करने का, ये 2002 दोबारा करना पड़ेगा इनके साथ। राहुल गंदगी के एलिमिनेट होने के बाद ये यहाँ पर दंगे करेंगे, आपको लगता है कि मोदी जी उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, अगर राम मंदिर बन गया दंगे नहीं होने दिए, 370 खत्म हुआ दंगे नहीं होने दिए, आपको लगता है कि ये नकली गांधी जब ये खत्म होगा उसके बाद मोदी जी दंगे होने देंगे, पहले ही तैयारी कर ली गई होगी इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर थोड़े से दंगे हुए भी, यहाँ पर जो जिहादी हैं वो बाहर निकलेंगे भी अपने कूड़े के ढेर में से, फ़र्क क्या पड़ता है, एक्सपोज करेंगे अपने आप को, उनको एक एक करके एलिमिनेट करना बड़ा ही आसान है, ये बाएं हाथ का खेल है कंट्री के लिए। सो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोदी जी जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बातें बोलते हैं, बहुत चंगा है, आप करते जाइए। लेकिन साथ में जो यहाँ पर फॉल्ट लाइंस हैं वो सिर्फ दो हैं, आपको हमेशा खतरा रहता है कि बाहर की फोर्सेज आकर हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल देंगी और मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरा देंगी। क्या अब प्रोएक्टिवली हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए, उनकी ही बैकबोन को तोड़ दिया जाए? पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत वीक है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली,
आप किस बात की वेट कर रहे हैं? आप जितना वेट करते रहेंगे पाकिस्तान उनको यूएसए उनको और सपोर्ट करता रहेगा। अभी अभी $7 बिलियन का पैकेज दे दिया, साथ में हथियार दे दिए। क्या आप यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा कभी चाइना सपोर्ट कर रहा है, कभी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है भारत के खिलाफ खड़ा करने के लिए, और हम कुछ कर ही नहीं रहे? हमने सीज फायर रखा हुआ है, आपको सीज फायर करने की जरूरत क्या है? आपको उनको ठोकना है अच्छी तरह से। उधर से तालिबान कर रहा है, इधर से आप कीजिए काम को तमाम, ये खुद ही बिखर के टूट जाएंगे। लेकिन आप वही पुरुषोत्तम राम बनने की कोशिश कर रहे हैं। नोबल प्राइज आपको जीतना है। नोबल प्राइज युद्ध करने के लिए मिलता है, युद्ध रोकने के लिए नहीं मिलता। और जिस दिन आपने राहुल गांधी और इनका जो पाकिस्तान है, इनका प्यारा पाकिस्तान, इसको आपने ख़त्म किया, एक काम होगा कि ये रशिया और यूक्रेन ये भी आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने दोनों को अलग अलग जाके जप्फी डाली है। ये दोनों आकर इकट्ठे जप्फी डालेंगे कि मोदी जी साडा भी फैसला करा दो, और आप उसके बाद फैसला कराने की पोजीशन में होंगे। आपने बोला यहाँ पे साइन करो, ये युद्ध अभी बंद होगा, ये युद्ध बंद भी हो जाएगा, तभी आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, पहले आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, उसके बाद राम को, पुरुषोत्तम राम का टैग मिलता है रावण को मारने के लिए। और रावण आज की डेट में एक ही है, वो है राहुल गांधी, और राहुल गांधी का इकोसिस्टम है पाकिस्तान। तो ये दो चीज़ें करने के बाद आप सेमीकंडक्टर लेके आइए, आप दुनिया की कोई भी कंपनी लेके आइए, सारी कंपनियां आपके पास यहाँ पर माथा टेक रही होंगी, क्योंकि आपने इंटरनल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तीसरा एक और काम है, अब आप बोलेंगे कि यार अगर पाकिस्तान के ऊपर हम लड़ाई करते हैं तो कल को चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, हमारा क्या बनेगा? हमारे दो दोस्त हैं, अगर पाकिस्तान का दोस्त है चाइना तो हमारे आज की डेट में ढाई दोस्त हैं, दो नहीं, एक है रशिया, दूसरा है इसराइल। इसराइल को तो जानते ही होंगे, जिस तरह से वो गाज़ा में, सीरिया में, लेबनान में जा जाकर ठोक कर आता है अच्छी तरह से, पिछवाड़े में बम डालकर इनके, वो जैसे ही पाकिस्तान नामक जानवर का हम काम तमाम करने आएंगे, इसराइल डेफिनेटली हमारे पीछे खड़ा होगा, और रशिया भी। और रशिया को देखकर चाइना कभी भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे तुमने तो ढाई लोग बोला थे, ढाई कौन से हुए? दो तो मैंने बता दिया आपको, रशिया और इसराइल, और ढाई में जो आधा है वो है अमेरिका। अमेरिका ना पाकिस्तान का साथ देगा उस वक्त, ना भारत का, क्योंकि उसे चाइना को कंटेन करना है आज की डेट में, उसका जो दबदबा है उसको कम करना है, उसे भारत की ज़रूरत है। और जब जब अमेरिका को भारत की या किसी की ज़रूरत होती है वो आंखें फेर लेता है। उस सपोर्ट की हमें ज़रूरत है कि कहीं वो पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा ना हो जाए। आपको भी सिर्फ एक स्विफ्ट एक्शन लेना है, उधर से तालिबान को एक्टिवेट करना है, उनको पैसे चाहिए आप पैसे दे सकते हैं, पाकिस्तान 1,000 करोड़ देता है, आप 5,000 करोड़ दे दीजिए, काम तमाम। और अजीत डोवाल जी बोल भी चुके हैं कि पाकिस्तान जिहादियों को पैसे देता है 1,000 करोड़, हम 2,000 देंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। जब आपको फॉर्मूला मालूम है 200 करोड़ से काम नहीं चलेगा, आप 200 करोड़ को जो आपने तालिबान को दिया है बजट के अंदर उसको 2,000 करोड़ कर दीजिए, वो आपकी पीपनी बजाने लग जाएंगे। और जैसे ही आप काम करेंगे मोदी जी, दुनिया बोलेगी मोदी जी तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। और ये बाइडन खुद खड़े होकर बोलेगा तोहफा कबूल करो। और अगर कहीं कमला हैरिस आ गई तो मुझे नहीं मालूम आपके टेस्ट कैसे हैं, वो भी यही कुछ करती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों मैंने तीन चीज़ें बताई हैं, और ये सारी चीज़ें एक इंटेलेक्चुअल हैं अमेरिका में जिनके साथ मिलकर मैंने ये पूरी डिस्कशन करी। कल रात को 1.5 घंटे की मेरी टॉक हुई, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मना किया है, बट हमने इसके ऊपर एक अध्ययन किया कि परमानेंट इलाज क्या है भारत की प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम आज की डेट में एक ही है, वो है राहुल गांधी। ये मुगलों का आखिरी वंशज, जो उसकी कब्र पर, जो अफगानिस्तान में बाबर की कब्र के ऊपर ये मूतने जाते हैं, ये उसका आखिरी वंशज है। इसे ख़त्म करते ही मुगलों का राज इस देश के ऊपर या कंट्रोल आपको ख़त्म हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जिहादियों को भारत के अंदर ख़त्म करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, अगर सरबरा को ही ख़त्म कर दिया, और इनकी जो फैक्ट्री है वो है पाकिस्तान। ये दो ख़त्म करने के बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये देश 2047 में विकसित देश नहीं बनेगा, ये उससे पहले ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉकरोच भर भर के वापस जाएंगे, यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन को डिस्कस करना बड़ा ही ज़रूरी होता है, और मैंने डिटेल में बात करी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात मेरे दिमाग में आई है तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो अजीत डोवाल से कोई कम नहीं है। अगर मेरे दिमाग में ये बात आई है तो अजीत डोवाल जी के दिमाग में ऑलरेडी आ चुकी होगी। रशिया वो पहुंच चुके हैं, और इसके बाद वो इसराइल भी जाने वाले हैं। अब आप डॉट्स को खुद ही जोड़ लीजिए और आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ,
क्या बोल रहा हूँ, अजीत डोभाल जी क्या सोच रहे होंगे और राहुल गांधी इस वक्त कहाँ पर छुपकर बैठा होगा अपने आप को बचाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पन्नू भागता फिरता है बुरका डालकर, कल को आपको सड़कों के ऊपर कोई भी लड़की लड़की में कि कोई भी बुरके में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलती हुई दिखाई दे, आप समझ आना ये राहुल गांधी पीछे छुपकर अपने आप को बचाने की मुहिम में लग गया है। दोस्तों जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप सेमी कंडक्टर को ले आइए, आप यहाँ पर रेलवे लाइंस बिछा दीजिए, आप सड़कें बना दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जिहादी सब कुछ उखाड़ कर फेंक देंगे। जब तक आप उनके सरबरा को उखाड़ कर नहीं फेंकते यहाँ पर तरक्की नहीं हो सकती। ये ओपन टॉक आपके साथ करनी ज़रूरी थी क्योंकि इसी से इस देश को हम बचा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।